टिहरी में सबको ये पता है कि आने वाला कल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है जो बची हुई है। कभी ये उम्मीद खुद सुंदरलाल बहुगुणा है, तो कभी वो भागीरथी नदी जिस पर बांध बन रहा है। वहां जो दिया जल रहा है, पूजा हो रही है गंगा की, भागीरथी की, तो इसके कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन कितनी प्रबल भावना है जो नदी को जीवंत समझते हैं और फिर उसकी पूजा हो रही है। तो अब आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में अर्थशास्त्र धर्म बन गया और रुपया जो है यहाँ भगवान बन गया है ना, तो आज तो इस तरह की परिस्थिति है, इसका कोई मूल्य नहीं है बाजार में, लेकिन इसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कि बांध इतना मजबूत बनाया जाएगा कि वो भूकंप का बड़े से बड़ा झटका भी बर्दाश्त कर लेगा। टिहरी के लोग और शायद खुद सुंदरलाल बहुगुणा भी इस तर्क को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक डर, और डर भी ऐसा जिसने इस बांध के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिकों की बात छोड़ दीजिए, ये तो कोई सामान्य आदमी भी कह सकता है कि बिल्कुल कच्चे पहाड़ है ना, गिर रहे हैं, इनमें जो ही पानी भरेगा। कौन से पहाड़? ये जो सामने वाले जो पहाड़ है वो देखे ना, ये जी जी जी, ये जिसका रिम एरिया है जी, इसके जो किनारे के जो पहाड़ हैं जी जी, वो किनारे के पहाड़ जो हैं वो जो ही पानी भरेगा ना जी, वो तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे बैठ कर। अच्छा, पूरे पहाड़ नीचे आ जाएंगे? जी हाँ आएंगे। आपने देखा नहीं कभी भी, आप कहीं पर कोई चहल बनाते हैं और करते हैं, किनारे का टूटता टूटता रहता है ना, ये तो सारे कमजोर हैं, ये पानी के साथ साथ जो है टूटेंगे। इटली में ऐसी घटना हुई है, वहाँ एक वियोन डैम था, तो उसके पहाड़ टूटकर उसमें गिर गए, और ठीक जैसे आप समझते हो ना, कोई भरा हुआ टब हो और उस भरे हुए टब में कोई बैठ जाए आदमी, उससे क्या होगा, पानी उलीस कर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बस ठीक वही घटना जो है वहां पर हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा की नजरों से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वाकई टिहरी की तस्वीर बेहद खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि कभी कभी तो यकीन नहीं होता। इसी इलाके में एक गांव है टिपरी, पहाड़ की चोटी पर बसा टिपरी गांव बांध की डूब में आने वाले इलाके में नहीं है और सरकारी आंकड़ों में भी नहीं, लेकिन यहां सवाल है जीवन का, ऐसा जीवन जो इन दिनों मौत से कम नहीं, हर वक्त दहशत कि ये गांव किसी भी पल धंस सकता है। जब हम लोग सो जाते हैं उसके बाद ब्लास्टिंग होती है यहां, उसके बाद रात को ब्लास्टिंग होती है यहां। तो एक रात में कितने बार विस्फोट करते हैं? एक रात में तो मेरे हिसाब से 7 बजे, एक कभी तो कभी 7:30 बजे कर लेते हैं, आजकल जो है 10-11 बजे पहले नहीं करते हूँ। कितने विस्फोट होते हैं रात में? चार पाँच होते हैं बस। उनका है बिजली वाला सिस्टम आजकल, वो 10 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं, पता नहीं कितने होते हैं। ये लोग जब विस्फोट करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये हो गया कि एक तो मकान जो है वो ये दरार दिख रहे हैं आप, पानी की जो है बहुत भयंकर समस्या हो गई है। अच्छा, अब एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता था, यहाँ पर आपको बांध नीचे बन रहा है, तो
अब आपको आगे चलकर इस गांव का क्या भविष्य नजर आ रहा है? इस गांव का तो भविष्य खराब ही बर्बाद हो रहा है, अंधकार हो गया सामने तो एकदम, मतलब किसी चीज का सब वही है कि थोड़ा भी डर लगा। आपको रिक्वेस्ट करूं जिन्होंने जो है मुर्दा जलाने के लिए जो है पूरे जाल बिछा रखे एक गेट है, पर उसके अंदर अंदर उनका कम से कम पत्नी कितनी बना रखे अंदर अंदर टनल। एक तो नौकरी नहीं मिल रही, एक तो घर से बेकार वैसे हो गए, रात को नींद नहीं आती, जब वो करते है ना तो रात को वैसे भी नींद नहीं आती। अरे इधर वालों की भी नौकरी नहीं है, बाहर के कितने हुआ हो रहे इधर तो दहशत रहती है। हर नेता जाता है यहाँ खा के जाते है, एक नेता आज उठ गए तो आज इतना जेब भर दिया, सब लोगों ने जेब भर दिया, उधर भर दिया तो चल गए, ऐसा हो रहा है। रात भर दहशत रहती है। हाँ दहशत रहती है। खतरे की तरफ इशारा हो चुका है, दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है, सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा भी इस बात को महसूस करते हैं और इसी वजह से अब एक नया सुझाव उनकी तरफ से आया है। हमें करना तो ये चाहिए, इसके बहाव को स्थिर करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में वृक्ष खेती करनी चाहिए, और इसलिए मैं तो ये वकालत करता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि भाई यहाँ पर फल वाले पेड़, चारे वाले पेड़ और खाद देने वाले पेड़, रेशा देने वाले पेड़, ऐसे पेड़ लगाएं और उसी से अपनी पूर्ति करें, ये अन्न की खेती बंद कर दें, क्योंकि तो हम धरती को कर रहे हैं। कौन जाने उनके इस विचार को कितनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन इतना साफ दिख गया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के इस बुजुर्ग का कुछ कर गुजरने का जज्बा अभी बरकरार है। इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ना वाकई हिम्मत की बात है। क्या पता उनकी ये हिम्मत, उनका ये नजरिया टिहरी के लोगों का भाग्य ही बदल दे। आंदोलनकारी हमेशा आशावादी होता है, जो निराशावादी होता है वो आंदोलन कर ही नहीं सकता है। उसको आज सफलता मिलती है या नहीं, क्योंकि आपने सुना है ना वो शहीद फिल्म का गाना, खिलेंगे फूल उस जमी पे तू जहाँ शहीद हो। ये जो लाल झंडी है, आमतौर पर झंडे तो पार्टी वाले लगाते हैं, लोग दूर से देखकर ये कयास करते होंगे कि कम्युनिस्ट झंडा है, लेकिन ये कम्युनिस्ट झंडा नहीं है और न देवी देवताओं का झंडा है, ये तो खतरे की झंडी है जो रेलवे का हाथ में रखता है ना कि खतरा रहो, तो बस ये खतरे की झंडी है, जागते रहो, सावधान रहो, सामने खतरा है। गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, सुंदरलाल बहुगुणा का यह संदेश टिहरी की पहाड़ियों में गूंज रहा है। हमने भी इसे बेहद करीब से देखा। बड़े बांधों से विकास होता है, ये सरकार की सोच है, जबकि बांधों से विनाश होता है, ये टिहरी के लोगों का नजरिया है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। गंगा की